नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जो आतंकवादी भारत के सैकड़ों लोगों की हत्या करवा चुका हो, जो भारत के सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर चुका हो, अगर उस पर पाकिस्तान में फूल बरसाए जाएंगे तो इसे कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। आज हमारे पास पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर आपका खून खौल उठेगा। हाफिज सईद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो मुंबई पर हुए 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड है। संयुक्त राष्ट्र उस पर प्रतिबंध लगा चुका है और अमेरिका उस पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर चुका है। ये ऐसे तथ्य हैं जो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में हाफिज सईद पर खुलेआम फूलों की वर्षा हो रही है। पाकिस्तान की इस बेशर्मी ने भारत को आज क्रोधित कर दिया है। सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सत्ता पर हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का नियंत्रण होगा, और क्या पूरी दुनिया चुपचाप ऐसे ही पाकिस्तान में यह सब होते हुए देखती रहेगी। पिछले 3 दिन में कूड़ा जलाने की वजह से जितना प्रदूषण हुआ है वो पिछले 3 वर्षों में दिवाली पर हुए प्रदूषण से भी कहीं ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से देश की राजधानी दिल्ली के इलाकों में पटाखों की बिक्री बंद है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि आम लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके, लेकिन हमारा सिस्टम अपनी लापरवाही से ऐसे आदेशों की गंभीरता को खत्म कर देता है। प्रदूषण से परेशान हमारे देश में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं और हम इन्हें उजागर करने के लिए आज एक गहरा डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत के प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक आज भगवान धन्वंतरि का जन्मदिन है, इसलिए इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहा जाता है। धन्वंतरि को आयुर्वेद, चिकित्सा और औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। आयुर्वेद को आप भारत की तरफ से दुनिया को दिया गया सबसे हेल्दी गिफ्ट भी कह सकते हैं, और आज धनतेरस के मौके पर आपको इसकी ताकत का एहसास करवाना जरूरी है, इसलिए हमने आपके लिए एक स्पेशल डीएनए टेस्ट तैयार किया है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद पर लाहौर में फूल बरसाए गए। हाफिज को जब पेशी के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बाहर लाया गया तो वहां मौजूद भीड़ ने उसके ऊपर फूलों की बरसात शुरू कर दी। लोगों ने हाफिज के समर्थन में नारेबाजी भी की। इस बीच दुनिया के सामने फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने की मांग की है। 2 दिन पहले ही पंजाब सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत हाफिज सईद को नजरबंद करने की अर्जी वापस ली थी। हाफिज सईद जनवरी से अपने घर में बंद है। सईद के साथ साथ उसके 4 करीबियों को भी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत नजरबंद किया गया था। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस से जवाब मांगा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से चुप्पी तोड़ने को कहा है। आरोप है कि भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी ने 2012 में रॉबर्ट वाड्रा के लिए हवाई टिकट बुक कराए थे। इन्वेस्टिगेशन जब जारी है और उसमें एक व्यक्ति गलत साबित हुए, मतलब गलत काम करने का साबित हो गए, उसमें इस बार कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के दामाद इन्वॉल्व, इसीलिए प्राइवेट सिटीजन क्यों ना हो, फिर भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, अगर उठते हैं तो उसके ऊपर बात करने का हक किसी भी पार्टी को है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वाड्रा के खिलाफ किसी भी तरह की जांच करा सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 41 महीनों से वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना के तहत अभियान चलाया जा रहा है। 41 महीने से जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में सत्ता में है, एक विच हंट और दुर्भावना से आए दिन झूठा प्रचार और मुकदमेबाजी हो रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के हाथों मारे गए पीडीपी कार्यकर्ता मोहम्मद रमजान शेख के घर को कुछ लोगों ने जला दिया। रमजान का 2 मंजिला घर पूरी तरह से जल गया। सोमवार शाम को हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों ने रमजान की हत्या कर दी थी, लेकिन रमजान की हत्या से गुस्साए लोगों ने इस दौरान शौकत फलाही नाम के एक आतंकी की हत्या कर दी। आज आतंकी को दफन करने के बाद कुछ लोग पीडीपी कार्यकर्ता रमजान के घर पहुंचे और उसमें आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रमजान के घर के लोगों को किस तरह बचाया। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रमजान की हत्या और घर जलाने की निंदा की है। महबूबा के मुताबिक इस तरह की वारदात से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।
ताजमहल को मुगलों की कलंक कथा कहने वाले बीजेपी विधायक संगीत सोम को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी। पीएम ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम का नाम लिए बिना कहा कि अपनी विरासत से मुंह मोड़ना ठीक नहीं। कोई भी देश विकास की कितनी ही चेष्टा करे लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपनी संस्कृति, अपनी उज्जवल परंपराएं, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 26 अक्टूबर को आगरा का दौरा करेंगे और ताजमहल के रखरखाव से जुड़ी योजनाओं का जायजा लेंगे। धनतेरस पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि ताजमहल भारत माता के श्रमिकों के पसीने से बना है। ताजमहल भारत के मजदूरों के, भारत माता के सपूतों के खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। इससे पहले यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने संगीत सोम के बयान पर चुटकी ली। आजम ने कहा कि वो गुलामी की हर निशानी को मिटाने के पक्ष में हैं। हाँ, जहाँ तक विचार का सवाल है, मैं हमेशा से इस बात के पक्ष में रहा हूँ कि गुलामी की सब निशानियाँ मिटनी चाहिए। केरल में आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर बीजेपी ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से पूछा है कि क्या वो लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनने के बाद संघ और बीजेपी के 13 कार्यकर्ताओं की हत्या की जिम्मेदारी लेंगे। बीजेपी की जनरक्षा यात्रा के खत्म होने पर अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर मार्च किया। अगर कम्युनिस्ट पार्टी CPM ये समझती है कि हम इंसान से दबा देंगे तो मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जितनी हिंसा करनी है कर लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को रोक नहीं सकते हो। पंजाब के लुधियाना में आरएसएस कार्यकर्ता रविंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 60 साल के रविंद्र सुबह शाखा से लौटे थे और अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। रविंद्र को 2 गोली लगी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नकाबपोश बदमाशों की तस्वीरें CCTV में भी रिकॉर्ड हुई है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। शाखा से आ रहे थे तो जब घर पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उनको घर एंटर करने से जस्ट पहले गोली मारी और उनकी डेथ हो गई। हम मौके पहुंच गए और इसमें अभी अगली कार्रवाई करेंगे। आरएसएस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं अकाली दल का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। मुगल सराय के बाद अब फैजाबाद का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। जिले के बीजेपी विधायकों ने फैजाबाद का नाम बदलकर श्री अयोध्या धाम करने की मांग की है। मेरी मांग है कि फैजाबाद का नाम बदलकर श्री अयोध्या धाम के नाम से अगर ये फैजाबाद का नाम बदल के रखा जाए तो करोड़ों हिंदुओं का सम्मान होगा। वहीं यूपी सरकार ने कहा है कि जनता से राय लेकर फैजाबाद जिले का नाम बदलने पर फैसला किया जाएगा। आगे जैसी जरूरत पड़ेगी, जनता की जिस प्रकार से मांग आएगी उसको ध्यान में रखकर करेंगे। अभी तो अयोध्या नगर निगम बन गया है और दुनिया में अयोध्या को लोग अयोध्या के नाम से ही जानते हैं, कोई फैजाबाद के नाम से नहीं जानते। दार्जिलिंग से केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो 27 अक्टूबर तक सुरक्षा बलों को वापस न बुलाएं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मामले में 27 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। इससे पहले केंद्र ने दार्जिलिंग में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की 15 कंपनियों में से 10 को वापस बुलाने का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। डीजल जनरेटर पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, सिर्फ अस्पतालों और दिल्ली मेट्रो को इससे छूट दी गई है। दूसरी तरफ बदरपुर थर्मल प्लांट को भी बंद कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का लेवल रेड जोन में पहुंच गया है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ग्रेटर रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत ये फैसले किए गए हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में राजधानी में पार्किंग फीस 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। धनतेरस के मौके पर आज दिल्ली समेत देश के हर बड़े शहर में ट्रैफिक जाम है। खरीदारों की लंबी भीड़ की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। दिल्ली को नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह से जाम है। DND ब्रिज, बारापुला और NH24 पर जाम लगा हुआ है। साथ ही मथुरा रोड पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।
पहले तो बारामूला के ऊपर जाम था, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लियर, उसके बाद थोड़ा क्लियर हुआ, अब फिर ये जाम है। ढाई घंटा लग गया। ढाई घंटा? वैसे कितनी देर में पहुंच जाते हैं? वैसे तो एक घंटे में पहुंच जाते हैं, हम नोएडा करते हैं। दिल्ली से दो दिन पहले धनतेरस के मौके पर देश भर के बाजारों में रौनक है। सबसे ज्यादा भीड़ ज्वेलरी शॉप और बर्तन की दुकानों पर है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पर भी लोग बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में बने AIIA का निर्माण एम्स की तर्ज पर किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य क्रांति शुरू करें। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हम ऐसा क्यों कहें कि ज्यादा पेशेंट आए, हम ऐसा क्यों कहें कि ज्यादा लोग बीमार हो, और इसलिए मेरी शुभकामनाएं ऐसी है कि वेलनेस का ऐसा वातावरण बने लोगों को यहाँ तक आने की नौबत ना आए। आयुर्वेदिक संस्थान 10 एकड़ इलाके में बनाया गया है। इसे बनाने में 157 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यूपी सरकार इस बार अयोध्या की दिवाली को खास बनाने जा रही है। दिवाली से एक दिन पहले कल अयोध्या में भव्य कार्यक्रम की तैयारियां हैं। कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अयोध्या की दीपावली पूरे धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ, दुनिया का एक यूनिक इवेंट के रूप में हम उसको प्रस्तुत कर सके, जहां इस रूप में हम उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री अयोध्या में सरयू तट पर भी जाएंगे। प्रशासन ने भी अयोध्या में दिवाली पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्रेता युग की स्थिति को फिर से एक बार जीने का प्रयास किया जा रहा है। जो अयोध्या वासी है, यहाँ का प्रत्येक नागरिक है, वो इस कार्यक्रम से जुड़े। वहीं अयोध्या में सरयू तट पर भगवान राम की विशाल प्रतिमा बनाने के यूपी सरकार के प्रस्ताव पर सियासत तेज हो गई है। AIIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है, जबकि BJP ने ऐसे प्रस्ताव का समर्थन किया है। समाज में जो अस्मिता है उसका अभी तक पहचान नहीं बना है, तो उस अस्मिता को लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए ऐसे त्योहार मनाना बहुत जरूरी है। यूपी के पर्यटन सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि प्रस्ताव के लिए NGT से अनुमति ली जाएगी। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 1,00,000 से ज्यादा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दिवाली से पहले हुई इस हड़ताल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैं यहाँ पे सुबह 7 बजे से वेट कर रही हूँ बस के लिए, और अभी तक किसी से कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे उनके ऑफिसेस को लॉक लगा हुआ है, और देयर इज नो वन टू आंसर अस। MSTRC कर्मचारी सैलरी 25% बढ़ाने और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाली नहीं है। कामगारों के सामने हमें झुकने के लिए बिल्कुल चिंता नहीं है कि कामगार हमारे हैं, उसमें झुकना नहीं आता है, उनका सम्मान आता है, लेकिन ऐसे मांग करें कि जो हम कभी दे नहीं सकते, तो उसके लिए हम आगे नहीं चल सकते।